तब्लीग का साथ दोगे इंशाल्लाह। ये जहाद अकबर है, जहाद अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पहले जन्नतें बांटी गई इन लोगों की तरफ से कि जो हमारे लीडर को वोट देगा वो जन्नत में जाएगा। अब यहाँ पर जहादी होने के फतवे लगाए जा रहे हैं और कैसे इनून लीग के मलिक अहमद ख़ान साहब फरमा रहे हैं लोगों से कि आप लोग जहाद अकबर कर रहे हो अगर नून लीग को वोट डाल रहे हो। अजीब व गरीब सरा बयान इनका मुलाहिज़ा कीजिए, 33 सेकंड्स का है, जरा होश से देखिएगा। मुस्लिम लीग का साथ दोगे इंशाल्लाह। ये जहादे अकबर है, जहादे अकबर। तुसी सुने है ना कि जालिम और गलत हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना जहाद है, ये सुने है। ते मैं ते सुने है कि जहादे अकबर है। तुम्हारा ये किरदार जेड़ा तुसी आज अदा करोगे, मुस्लिम लीग की हिमायत करोगे, बुराई रोकोगे, वो भाई बनाने वाला चंगा है कि साड़न वाला चंगा है? बनाने वाला चंगा है। मैंने दसो इन्हें कोई एक शय बनाई नहीं जी, तो सड़ियां तो मैं तो सौ बना देती हूँ जी। जनाब अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है। कहां से लाए जाते हैं ऐसे लोग जो कि आकर ये समझते हैं कि अवाम को कुछ भी कह दिया जाए अवाम बेवकूफ़ बन जाएगी। अवाम ना तो बेवकूफ़ है और ना ही किसी भी ऐसे बयानियों को एक्सेप्ट करना चाहती है जो कि झूठ पर मबनी हो। चाहे ये लोग सोने के बनकर आ जाएं, हमें नहीं लगता कि अवाम इमरान खान का साथ छोड़कर नून लीग का साथ देगी। यार जहां पर 75 साल एक मोहब्बत को इमरान खान की वजह से हमने देखा है कि अवाम ने छोड़ दिया, तो वहां पर ये जमातें क्या हैं। हम नहीं ये कहते कि वो ठीक किया अवाम ने या गलत किया, लेकिन एक नज़रिया तो अवाम का था ना, उस नज़रिए को बदल दिया गया इस बेस पर कि खान हक पर है। 3 साल की उसकी तमाम काविशें मेहनतें इस काम के साथ रंग ले आई और 75 साल तारीख बदल डाली उसने, तो ये आम बात नहीं है। तो ऐसे झूठे और ज़बान बदल बदल कर बातें करने वाले लोगों को अवाम तो रिजेक्ट ही करेगी। खैर आज की इस वीडियो को आप ज़रूर आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।